साथियों, मैं बाबूलाल बौद्ध का शिष्य हूँ। हमारा संत जीवन है मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज की शेरनी हैं, उनका मैं फॉलोवर हूँ। यह पूरा जीवन हमारा समर्पित है। आप लोग बाबा साहब की जीवनी हमसे मांगे थे कि आप अपने वाद्य यंत्र पर, अभी शादी तक आपने सुनी थी बाबा साहब की शादी कैसे होती है और बाबा साहब की शादी में बन्ना कैसे गाए जाते। अरे देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी भाई बन्ना ही बनी बाबा लंदन पधारे, बन्ना ही बनी बाबा भैया लंदन पधारे। हाय हाय, अरे अपनी बजी ढपली अपनों ही खंजरा, देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी। अरे ब्रिटिश सरकार बनी भैया, कल्लू भैया मेरे, अरे ब्रिटिश सरकार बनी दुल्हनी अनोखी, हाय ब्रिटिश सरकार बनी दुल्हनी अनोखी। अरे अम्बेडकर बाबा साजिर है बनारा, देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी। अब हमारा समाज जागरूक हो रहा है ना, अरे लंगड़ा चले लागे बहिरा सुनई लागे, आय हाय हाय, लंगड़ा चले लागे बहिरा सुनई लागे। अरे इतिहास अपनो पढ़ई लागे अंधारा, देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी। अरे थोड़ी उमरिया के बनानी के ला गई, थोड़ी उमरिया के भैया बाबा निकला गई। अरे पहने गले माँ विजय हार गजरा, देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी। अरे प्रेमी जी रूठे थे लंदन हम बाबा, आय हाय हाय, प्रेमी जी रूठे थे लंदन में बाबा, अरे अधिकार लेकर के जाएंगे सगरा, देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी बाबा भीम बने बनारा, देखो सखी। इस प्रकार से हमारी बहनें अपने शादी ब्याह में बनने गए, हमने चेतावनी हमने बताई है। बाबा साहब की शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद बाबा साहब की पढ़ाई जो है अच्छे ढंग से नहीं चल रही थी। 10-12 लोगों का परिवार था बंबई में, तो बाबा साहब जो हैं
एक पार्क में पढ़ने के लिए जाते थे, एक मिस्टर केवलुस्कर महाराज, मास्टर केवलुस्कर महाराज जात के ब्राह्मण थे, सभी ब्राह्मण खराब नहीं होते हैं। उन्होंने जब देखा कि ये बेटा जो है बहुत होनहार है, तो भीमराव के पास गए, बेटा जब सब लोग टहल कर पार्क से अपने घरों में चले जाते हैं तब तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम्हारे ऊपर घर में कोई दबाव है? तो भीमराव ने कहा कि दबाव कोई नहीं, पैसे का अभाव है। केवलुस्कर महाराज को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा के पास ले गए। महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा ने देखा कि बालक होनहार है, तो उन्होंने सरकारी सहायता दे करके भीमराव को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। हार निवारक में विश्वविद्यालय भीम बांधाए, अर्थशास्त्र और राजनीति को अध्ययन कर आए, लौटी बम्बई मैया करके आओ, गायक बाड़ा बड़ौदा से लई शपत उठा करके, आपसे कहूँ नहीं ज्यादा, मैं करूँ प्रतिज्ञा आज आपका अदा करूँ वादा, तुमसे ने हटाए हैं। अरे कुटुंब से नया हटाए हैं, और सन 1921 भीम अमरीका धाये। जब बाबा साहब महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा के यहाँ जिला जज की कुर्सी पर आसीन हो गए, तो बाबा साहब के सामने बहुत सी समस्याएं आईं। बताने में समय लगेगा, तो समय इतना है नहीं मेरे पास, क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हूँ। तो बाबा साहब ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया, अब इस्तीफा देकर कहाँ को चले जाते हैं, सुनिए। हारे छोड़ बड़ौदा राज भीम लंदन को धाई गए, और लाडा सोडन हम मित्र लंदन के पाई गए। अरे कहा मत दिल में घबराओ, आओ सोडन हम कॉलेज आप प्रोफेसर बन जाओ, दिया एक नया सहारा है, आओ प्रोफेसर बन सोडन हम का काम संभारा है, टोटली विद्या की खोली, आसन हम कॉलेज सुनी जब बाबा की बोली, शब्द का सारा सुनाया है, भाई छोड़ अन्न कॉलेज बरग शिक्षक का पाया है, हो रही विकट पढ़ाई है, आसन हम कॉलेज भीम प्रसिद्ध बनाई है, प्रतिष्ठा प्राप्त वीर लियो, बम्बई और मद्रास नागपुर प्रेक्षक नियुक्त की, पढ़ाने से दिल नहीं घबराए, सन 1923 में हैं बाबा घर आए, तेरी घर में संकट आया, आनंद राव जीजा भाई को आन खाल खाए, समझा के रामा भाई को, भाई लंदन का चल दया पढ़ाई पूरी करने को, लंदन को आए हैं, आओ उसी यूनिवर्सिटी जाकर नाम लिखाए, पढ़े कानून पढ़ाई है,
अरे पढ़ी कानून पढ़ाई है। अरे पढ़ी कानून पढ़ाई है। सन 1924 में, सन 1924 में बैरिस्ट्री की डिग्री पाई और पढ़ने की इच्छा से और लिखकर चिट्ठी छात्रवृत्ति बढ़वाई राजा से।